हम लोग पिछले 5 साल से एक बेबी के लिए अलग अलग जगह अलग अलग तरीके आजमा रहे थे। मैं बहुत जगह भटका, बहुत इधर उधर दवा कराया, बहुत डॉक्टरों से सही इलाज कराया, हर जगह मना कर दिया। हर जगह हर डॉक्टर हर तरीके से हमने बातें करी, हर सिचुएशन में हम लोग गए, पर कोई भी सलूशन वहाँ से मिल नहीं पा रहा था हमें। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, हमने देहरादून में भी काफ़ी इलाज किया और अदर हॉस्पिटल्स में भी दिखाया। उसी मैम के पास आया तो फर्स्ट दिन ही इन्होंने चेकअप करके बताया कि आप रो मत। मैं रोने लगा था मैम के पास, लेकिन इन्होंने बोले कि रो मत, आपका बेबी होगा और होगा। फिर हमें किसी ने यहाँ पे रिकमेंड किया कि हमें डॉक्टर रोशी सतीजा जी से बात करनी चाहिए। फिर रोशी मैम से दिखाया, फिर हमारे जानने वालों ने, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने यहाँ पे आके बताया कि आप दिल्ली में आके सुंदरलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर रोशी सतीजा से मिली। मैं सुंदरलाल हॉस्पिटल में आया था क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से 8 ईयर्स हो गए थे कि मेरे को बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि रोशी सतीजा मैम को आप दिखाओ, तो मैं रोशी सतीजा मैम से मिला। IVF के द्वारा हुआ, लेकिन मैम ने सक्सेस कर दिया और अच्छे से सक्सेस कर दिया। 1 मंथ के अंदर ही हमें एक रिजल्ट दिया जिसके लिए हम पिछले 5 साल से वेट कर रहे थे। 40 साल का उम्र है मेरा, हर जगह मैं इलाज कराने के लिए गई, लेकिन हर जगह डॉक्टर जवाब दे दिया पति तुम माँ कभी नहीं बनेगी। एक क्वालिटी है उनके अंदर की, वो जब भी बोलती हैं तो उनसे हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और सारी जो भी परेशानियाँ हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती है, उनका बिहेवियर ऐसा है। और उसी मैम ने बोली कि क्यों नहीं माँ बनेगी, तुम जरूर माँ बनेगी, मैं तुम्हें माँ बना कर दूँगी। IVF के द्वारा मेरा बेबी हुआ। मैंने रोशी मैम से इलाज करवाया, 5 साल बाद मेरी बेबी हुआ। मैं रोशी मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपकी प्रेगनेंसी में या किसी भी चीज़ प्रेगनेंसी को लेके प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप एक बार सुंदरलाल हॉस्पिटल रोशी मैम से आके जरूर कंसल्ट करें। इसलिए सारे स्टाफ को, खासकर रोशी मैम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच रोशी मैम, थैंक यू सो मच, वी लव यू। इसलिए हम अपनी सारी भावनाएं डॉक्टर साहब के सामने रखे और इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इतने भी स्टाफ है वो भी अच्छा है, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत केयरिंग है, ब्रीथिंग का सही है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इसलिए मैं रोशी मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हॉस्पिटल के स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर रोशी, ऑल स्टाफ वेरी कोऑपरेटिव। थैंक्स टू ऑल स्टाफ ऑफ सुंदरलाल मेमोरियल हॉस्पिटल।